हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव नया नहीं मगर विशेष जरूर कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव हैं ही विशेष। ज्योतिष में शनिदेव को न्यायाधीश माना गया है। ये कर्म फल दाता हैं, जिसके जैसे कर्म होते हैं शनिदेव उसको वैसा फल देते हैं। इनसे उन्हीं को डरने की ज़रूरत है जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, जो कि जानते हैं हम अच्छा कर्म नहीं कर रहे, वही शनिदेव से ज़्यादा डरते हैं। वैसे शनिदेव जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लेकिन ये न्यायाधीश हैं। ज्योतिष में इनको न्यायाधीश मानते हैं, तो ये आपके कर्मों का फल तो ज़रूर देंगे। अच्छा है तो अच्छा और बुरा कर्म है तो बुरा फल। तो अगर किसी की कुंडली में आपके शनि खराब स्थिति में है तो उनको क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि क्या हमें करना चाहिए जब हमारी कुंडली में शनि देव की या शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है उन्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि किसी भी गरीब को भूल कर ना सताएं। यदि आप गरीब को सताएंगे तो शनिदेव आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारे वर्कर्स होते हैं यही शनिदेव होते हैं। इनके साथ मजदूर वर्कर्स ये जो होते हैं इनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें प्यार से पेश आना चाहिए। तो शनिदेव जिनके खराब है उनको कभी भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए। दूसरा काम, यदि शनि आपके खराब हैं कुंडली में तो आपको शनिवार के दिन कभी भी लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज़ घर में नहीं लेके आना चाहिए। अगर शनि आपके अच्छे हैं और अच्छी स्थिति में कुंडली में तो आप ला सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरा, शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में तेल का दान करके आना चाहिए। आप चाहें तो किसी गरीब व्यक्ति को भी, मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप उनको भी तेल दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। चौथा, अगर आपके शनि खराब हैं तो आपको ध्यान रहे कि किसी बाहरी व्यक्ति से, आप किसी भी बाहर के व्यक्ति से, कोई आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप उनसे कोई भी चीज़, जूते चप्पल तो कतई उपहार में ना लें। अगर आपको वो गिफ्ट करते हैं, जूते चप्पल देते हैं, तो आप उनसे मत लीजिए यदि आपके शनि खराब हैं। हाँ, आप किसी को दान दे सकते हैं। अगर आप ये दान देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शनि आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में भी शनि की दशा अच्छी होती चली जाएगी। आपको क्या करना है, जिनका शनि खराब स्थिति में है वो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, और पूजा करने के बाद आप उनकी 7 परिक्रमा लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी के मंदिर में, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में आप सरसों के तेल का दीपक जला के आएँ तो ये बेहतर रहेगा। जिनकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में उनको ये काम अवश्य करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों, विष्णु पुराण में माँ लक्ष्मी ने शनिदेव से पूछा कि आप लोगों को इतना प्रतिपाड़ित क्यों करते हैं। तो शनिदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे भगवान ने लोगों को न्यायाधीश का काम दिया है कि मैं न्याय करता हूँ, इसलिए जो लोग गलत कर्म करते हैं उनको मैं दंड जरूर देता हूँ। तो यही है शनिदेव की गाथा। अगर आपके शनि खराब स्थिति में है तो आपको क्या करना चाहिए, और नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। बस डरने की ज़रूरत नहीं है, आप करिए ये काम, देखिए कैसे होंगे सारे काम आपके आसान और शनिदेव हो जाएंगे आपसे प्रसन्न। नमस्कार।